Hey guys, hi myself D Zinky Nath and you are watching the Adventure Club Guwahati. Video शुरू करने से पहले मैं आपको request करता हूँ कि अगर अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किए हैं, subscribe कर लीजिए और right hand side में जो bell का icon है, इसको भी press करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथास्तु। सो गाइज, आप लोगों को जैसे कि पता ही है, मैं बहुत दिन बाद, एक्चुअली एक हफ्ते बाद हर संडे को मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। पहले तो हफ्ते में दो तीन बार या फिर चार बार भी हो जाते थे वीडियो अपलोड करता था मैं, और अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ कारणवश मैं वीडियो अपलोड कंटिन्यूसली नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ, सॉरी। सो आज भी संडे है, आज भी मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी मालूम चल ही चुका होगा जो मैं पिछले राइड पे निकला था वो राइड था नीला पानी, जो नौगांव में स्थित है, मींस ब्लू पैराडाइज करके एक जगह था, जो एक लेक था बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत लेक था, उसके बारे में मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ। शायद किसी किसी को पता होगा, किसी किसी को पता नहीं होगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये जो नीला पानी है, ब्लू पैराडाइज लेक है, ये बहुत ही खूबसूरत है, नौगांव का वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। हाल ही में इसका पॉपुलैरिटी जो है बहुत तेज ग्रो कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हादसा हो जाता है जिसके कारण ब्लू पैराडाइज अभी बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाने के लिए डर लगता है सबको। डेफिनेटली मैं उसके बारे में भी मैं आप लोगों के बीच में बोलना चाहता हूँ। सो इसीलिए आज का वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीडियो पे बने रहिएगा, पूरा एंड तक जरूर देखिए। सो गाइस, ये है खूबसूरती ऑफ ब्लू पैराडाइज, और इसका जो डरावनी कहानी है आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों की भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज कुछ साल पहले ये जो लेक है, एक्चुअली ये एक पत्थर क्वारी है, पहाड़ के बीच में जो पत्थर काट के मशीन डाल के वहाँ से पत्थर खोद के तोड़ के वो निकाला गया था, बम ब्लास्ट किया था पहले, तो उसके वजह से वहाँ पे जो पानी जमा हो गया, बारिश का पानी हो या फिर कहीं से भी अंदर से हो, पानी जमा हो गया और उसके बाद जो वहाँ का जो केमिकल है वो केमिकल जम के वो कलर ब्लू में कन्वर्ट हो गया था, इसीलिए वो देखने में बहुत ही खूबसूरत हो गया था। तो शायद उस भी लेक का पानी बहुत जहरीला है, मुझे इतना आइडिया है नहीं कि ये देखने में तो खूबसूरत है मगर ख़तरनाक भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके बाद वो जब गवर्नमेंट के थ्रू पत्थर क्वारी बंद कर दिया गया था, उसके बाद ये लेक में कन्वर्ट हो गया और वहाँ पे धीरे धीरे करके आदमी जाने लगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं भी खुद यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि वहाँ पे ऑलरेडी उस टाइम में 5-6 आदमी मर चुके थे। वहाँ का जो नेबरहुड है, वहाँ का जो गाँव वाले हैं, वही सब हम लोगों को बोला था ये बात। एक जेसीबी भी वहाँ पे डूब के ख़त्म हो गया था, तो आप सोच सकते हैं कितना गहरा था। और मैं जब गया था उस टाइम में उसका जो गहराई थी मैं नाप नहीं सका, जस्ट किनारे में एक छोटा सा स्लैब था, वो स्लैब से डायरेक्ट डाउन आप उतर सकते हैं। अगर आपको तैरना नहीं आता तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ही डरावना होता। मुझे तो इतना प्रोफेशनली तरीके से तैरना नहीं आता मगर मैं जितना हो सके कोशिश किया था तैरने के लिए, और जब मैं जंप किया था वहाँ पे जाके मैं नर्वस फील कर लिया, और उसके बाद मैं हम सोचा कि ऐसे नहीं होगा, अगर मैं उस टाइम में नर्वस फील करके अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाता मैं भी शायद वहाँ पे डूब के मर जाता। और एक बात है, कुछ दिन पहले निकी कलिता करके एक लड़का है जो बामनी मैदान ज्योति नगर में उनका घर है, और 9 लड़के वहाँ पे बाइक राइड पे निकले थे, वहाँ पे नहाने के लिए गए थे, अनफॉर्चुनेटली उनको तैरना नहीं आता था और ऊपर से वो तैरने के लिए अंदर चला गया, और जब चला गया बहुत कोशिश किया उठने के लिए, अनफॉर्चुनेटली वो उठ नहीं पाए, वहाँ पे थक गए, उनका जो नर्वसनेस है वो वहीं पे दम घोट के मर गया।
और 3 दिन बाद जो है उनका बॉडी NDRF, SDRF, पुलिस सब लोग लग के आफ्टर 3 डेज उनका जो बॉडी है निकाला गया। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दिस इज़ ए वेरी ब्यूटिफुल बट वेरी डेंजरस लेक ऑफ असम, सो दैट इज़ वाई बी केयरफुल फ्रॉम दिस। जिस दिन मैं उस लेक पे गया था, मैं वहाँ पे 2 लड़के का जान भी मैं बचाया था। मुझे इतना अच्छी तरह से तैरने नहीं आता, वहाँ पे एक ग्रुप था, जो ग्रुप वो हाथ पकड़ के पहले आगे में एक लड़का गया, उसके बाद सेकंड एक लड़का गया, वैसे क्रॉस कर रहा था किनारे किनारे ही, बहुत ज़्यादा डीप नहीं था, जस्ट 1 फीट का डिस्टेंस था। तो उसी में से वो डूबने लगा, पानी पीने लगा। मैं सोचा मैं भी डर गया, अगर मैं बचाने जाऊंगा तो मुझे भी वो मुझे पकड़ के वो भी मुझे खींच लेगा। तो इसीलिए हम क्या सोचा, जब मैं तैर के मैं मेरा पैर जो है वो पैर इसका यहाँ पे लगा लिया था, लगा के खींचा, उसके बाद किनारे तक लेके आया, और उसके बाद सेकेंड आदमी भी मैं वैसे ही बचाया था। सो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि अगर आप लोगों को तैरना नहीं आता तो काइंडली ऐसा लेक पे जाइए, बाहर से देखिए, ऊपर से देखिए, मगर अंदर में मत जाइए। सो दैट्स इट, आज का वीडियो इतना ही था। अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर एनीथिंग यू कैन डू दैट। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड जॉय आई अखोम, बाय बाय।